नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनोज फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल अग्री उमा में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान के नर्सरी में पीलापन आने के क्या कारण है और आप इसे किस तरह से आसानी से ठीक कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी भी धान की नर्सरी में पीलापन की समस्या है या आप चाहते हैं कि धान की नर्सरी में पीलापन की समस्या न आए तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके कि धान की नर्सरी में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं। तो किसान भाइयों, धान की नर्सरी में पीलापन होने के कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वो है मौसम में बदलाव। मतलब यदि आपके क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अचानक बारिश हो जाती है तो आपकी धान की नर्सरी में पीलापन बढ़ने लगता है। किसान भाइयों, अधिक तापमान होने पर सुबह या दोपहर के समय आप नर्सरी में पानी न दें, क्योंकि सुबह दोपहर में पानी देने से धूप के कारण पानी गर्म हो जाते हैं, जिस कारण से पीलापन बढ़ने लगता है। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरे कारण की हम बात करें तो किसान भाइयों, दूसरा कारण जो है वो है जिंक की कमी। जिंक की कमी को दूर करने के लिए किसान भाइयों, आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है किसान भाइयों, वो है धान की नर्सरी को आप पूरा सूखने के लिए न छोड़ें, आप उसमें हमेशा नमी बनाकर रखें। किसान भाइयों, यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी न करें, नर्सरी में पानी देने के बाद यूरिया न डालें। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि पानी देकर यूरिया डाल देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। नर्सरी में पूरी तरह पानी सूख जाने के बाद ही हल्की यूरिया का प्रयोग आप कर सकते हैं, ज़्यादा यूरिया का प्रयोग आप न करें। किसान भाइयों, आप यदि इन सब गलतियों को नहीं करते हैं तो आपकी धान की नर्सरी में फिर भी पीलापन बना हुआ है या पीलापन नहीं खत्म हो रहा है, तो आप इसको दूर करने के लिए एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है नर्सरी प्लस। यह साइटोजाइन का यह प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। 20 से 25 ml आपको 15 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी नर्सरी में पीलापन की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, पीलापन पौधों में नहीं देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।